नमस्कार दोस्तों। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही है, जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि अब हम मैप पे देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, तो ये है हमारा प्यारा भारत, हमारी आन बान और शान। और अगर हम यूरोप की तरफ बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे हम अगर जूम करें थोड़ा सा तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो है रशिया है, और रशिया की एक नेबरिंग जो कंट्री है यूक्रेन इसका नाम है। रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी जो है तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसका रीजन भी मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यूक्रेन के सामने जो है ये जो बॉर्डर है रशिया और यूक्रेन का, इसके पास ही एक छोटी सी जगह है, सोलोती नाम है इसका। अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ और ये छोटा सा शहर है, ये जस्ट पास ही है रशिया का और जो यूक्रेन का बॉर्डर है, जस्ट ये बॉर्डर है और उसके पास ही ये एरिया है। अगर हम यहाँ पे जूम करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये रशिया ने यहाँ पे अपनी जो है आर्मी, लगभग 1 लाख लोग जो है विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेपन्स टैंक्स जो है यहाँ पे रशिया ने तैनात कर दिए हुए हैं बॉर्डर के बिल्कुल पास में। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि रशिया ने अपनी इतनी आर्मी जो है क्यों बॉर्डर के पास तैनात कर दी अचानक से। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है नेटो, जिसका मतलब है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर अभी टोटल 30 मेंबर्स है। इसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज है, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है और 1 यूरेशियन कंट्री है। तो दोस्तों, अगर कोई भी कंट्री एक नेटो कंट्री है और उस कंट्री पे अटैक होता है तो जो बाकी कंट्रीज होंगी नेटो के मेंबर्स उन पे भी अटैक हुआ ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, यूक्रेन और नेटो की बढ़ती हुई नजदीकियां रशिया को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए रशिया जो है अपनी आर्मी यूक्रेन के बॉर्डर पे ले आया है और एक तरीके से यूक्रेन को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी जो नजदीकियां हैं नेटो के साथ उसको कम कर दीजिए। तो दोस्तों, 2008 में यूक्रेन ने नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। 2008 के बाद से रशिया का जो इंटरवेंशन है यूक्रेन में वो बढ़ता गया है। और दोस्तों 2008 के बाद हम आते हैं 2013 में। 2013 में यूक्रेन में जो है बहुत बड़े स्केल पे दंगे हुए वहां के लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। जो रूलिंग पार्टी थी उसको लोग गिराना चाह रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, लगभग 14-15 हजार लोग जो है मारे गए थे उस टाइम पे। 2013-14 की ये बात है। उस टाइम पे रशिया ने अपनी आर्मी भेजी और ये जो आप इस एरिया देख रहे हैं, क्रीमियन पेनिनसुला इसका नाम है, ये पूरा रशिया ने अपनी आर्मी भेज के यूक्रेन से ले लिया। दोस्तों, 2014 के बाद जब से रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला यूक्रेन से ले लिया, यूक्रेनियन लोगों के बीच में एक गुस्से की भावना है तब से ही। तो वो जो यूक्रेन के लोग हैं वो इस फेवर में है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर ले। तो दोस्तों, अभी आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल है। इस पे इन्होंने लिखा हुआ है कि नेटो और रशिया की जो है बातचीत हो रही थी इस बारे में कि रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक ना कर दे, इससे रिलेटेड रशिया और नेटो के बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन इस बातचीत का कोई भी निष्कर्ष निकल के नहीं आया है, क्योंकि जो रशिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनका नेटो से, उनका ये कहना है कि वो तभी अपनी आर्मी हटाएंगे जब नेटो अपनी आर्मी जो है रशिया की नेबरिंग कंट्री से हटाएगा और नेटो अपने आप को और एक्सपैंड नहीं करेगा। करंटली अभी नेटो में 30 नेशंस हैं और 30 नेशन से ज्यादा नेटो ऐड नहीं करेगा। ये दो मांगे जो है रशिया ने बोली है नेटो से, लेकिन नेटो जो है वो ये चीजें मानने को तैयार नहीं है, इसलिए इस मीटिंग का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो दोस्तों, इस टाइम पे सिचुएशन बड़ी टेंस बनी हुई है अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में। हो सकता है कि रशिया कुछ टाइम में अटैक करके यूक्रेन पे यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले ले, जैसे रशिया ऑलरेडी एक बारी पहले कर चुका है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स होंगी फ्यूचर में उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।